हेलो व्यूअर्स, वॉइस चैप्टर के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वॉइस से जुड़े कई टर्म्स को जाना था। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम सीखेंगे या नियम की शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बटन में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह आगे लाया जाता है। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की तरह आगे लाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह आगे किसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह आगे किसको लाएंगे, उसके लिए है कि यदि ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो तो नाउन को ले आएंगे, लेकिन यदि प्रोनाउन हो तो उसे कुछ चेंज करना होता है। जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जैसा कि इसमें है, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज हुआ हो तो आगे आई लाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में अस का यूज हुआ हो तो आगे वी लाएंगे, यू हो तो इसको चेंज नहीं किया जाता है, यू का यू ही रहता है, हिम के लिए ही लाया जाता है, हर के लिए सी, इट के लिए इट ही रहता है, इसमें भी चेंज नहीं होता है, देम का दे होता है। लेकिन यदि नाउन हो या कोई अगर अदर प्रोनाउन हो तो वो चेंज नहीं होता है, वही नाउन या अदर प्रोनाउंस रहते हैं। जैसे वन है तो वन ही रहेगा, राम है तो राम रहेगा नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में दे, दे का तो देम का तो दे होता है, लेकिन कोई और दिस हो तो दिस ही आता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में चेंज होकर आते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसको समझते हैं, पहले रूल को। जैसा कि हम देखते हैं पहला एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करेंगे। वी शुड डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, हमें वही करना चाहिए जो हम दूसरों को करवाना चाहते हैं। ही ब्रोक द लेग्स ऑफ दिस चेयर, उसने इस कुर्सी के लेग्स को तोड़ा। आई फाउंड हिम लॉक्ड इन द रूम, मैंने उसे रूम में बंद पाया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यदि भर्ब से हम प्रश्न करते हैं व्हाट या हुम, वर्ब के साथ, यदि वर्ब के साथ हम प्रश्न करते हैं व्हाट या हुम, तो व्हाट जो है क्या, होम किसे या किसको, तो इसका यदि सही आंसर मिलेगा तो वही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, वही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। समानता व्हाट का मिलने वाला आंसर निर्जीव होता है और होम का मिलने वाला आंसर सजीव होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसी वर्ब से, इसलिए हम शुरू में ही बोले थे कि वर्ब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसी से ऑब्जेक्ट पता चलेगा, ऑब्जेक्ट हम जानेंगे और उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। अब हम इस चार एग्जांपल्स को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करेंगे, संबोधित करेंगे यही वर्ब है, किसको संबोधित करेंगे, देश को, ये ऑब्जेक्ट है, यह जो ऑब्जेक्ट है इसी को आगे लाना है, द कंट्री। हम अभी एक ही रूल सीखे हैं ऑब्जेक्ट को आगे लाने के लिए, तो मेरे लिए मुख्य ही है कि ऑब्जेक्ट कौन है उसको हम आगे लाएंगे, इसके बाद क्या बनेगा जो आगे के रूल्स में हम सीखेंगे। वी शुड डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, हमें करना चाहिए जो हम दूसरों से करवाना चाहते हैं। शुड डू क्या करना चाहिए, व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, एक पूरा जो क्लाउज है वो ऑब्जेक्ट का काम किए हुए हैं, तो इसी को हम आगे सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, इसमें होगा व्हाट We want others to do, यही है जो ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आया सब्जेक्ट की तरह, फिर इसके आगे क्या बनेगा जो हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ हम सीखे हैं ऑब्जेक्ट को आगे लाना। He broke the legs of the chair, उसने इस चेयर के लेग्स को तोड़ा या तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, इस चेयर के लेग्स को, यही ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे, The legs of
दिस चेयर। इसके बाद क्या बनेगा जो हम सीखेंगे, आई फाउंड हिम लॉक्ड इन द रूम, मैंने उसे रूम में बंद पाया। क्या पाया, तो बंद पाया, किसे पाया, उसे पाया। तो लॉक्ड जो है एक नॉन फिनाइट वर्ब है और हिम जो है ऑब्जेक्ट का काम किए हुए हैं। ऐसे भी हिम का ही बनाना हम लोग सीखे हैं कि हिम जो है चेंज होता है ही में, तो आसान है इसको पकड़ना, हिम का होगा ही, तो हिम को लाएंगे ही, ही इसका ऑब्जेक्ट है। और बाकी इसके बाद क्या बनेगा जो रूल्स हम सीखेंगे सर, इसमें भी एक ही रूल सीखे हैं, वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह आगे लाया जाता है, पहला रूल है। इसके बाद फिर अगला रूल हम लोग सीखेंगे।